चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा ने कहा है कि शहर में गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतों को गिरा दिया जाए। ये इमारतें अगर आबाद मेंबरान की भी हैं तो रियायत ना की जाए। मेयर कराची को शहर की तरक्की और मसाइल के तमाम वसाइल फराहम करेंगे। हुकूमत से वसाइल और इख्तियारात की भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कराची के ताजिर, सनतकार और बिल्डर्स फंड्स फराहम करेंगे। मेयर कराची से अस्पताल और स्कूल गोद लेने के लिए दरख्वास्त दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर रोड आबाद और बल्दिया शर्की के इश्तराक से तनसीब की जाने वाली 120 लाइटों की इफ्तिताही तकरीब में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर, मेयर कराची वसीम अख्तर, म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख और आबाद के अहदेदारों और शहरियों और मौजज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन आबाद ने कहा कि लाहौर से आने वाले बिल्डर्स ने सफाई के कामों में बल्दिया की मदद की है। देखिए, आबाद जो है वो सिर्फ ये लाइटें नहीं लगा रहा, ये मुईद भाई और वसीम भाई के साथ मिलके हमने थोड़ा सा रोशन किया है रोशनियों के शहर को। रोशनियों का शहर ये कहा जाता था शहर कराची। कुछ मेयर कराची को जो पावर्स देनी चाहिए, हम बिल्कुल वसीम भाई की इस बात की तायद करते हैं। पूरी दुनिया में मेयर्स के पास पावर्स होती हैं। जो भी गैर कानूनी तामीरात इस शहर में कर रहा है, चाहे वो आज कर रहा है या पहले की गई हैं, उसको फिलफौर जो है वो तोड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हम इस प्लेटफॉर्म से फिर आपके सामने कहते हैं कि चाहे वो आबाद का मेम्बर हो या नॉन मेम्बर हो, अगर कोई गैर कानूनी तामीरात करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ये कार्रवाई नहीं की जाए कि बिल्डिंग तोड़ी जाए उसकी, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहर में कानूनी तामीरात हों। और उसके लिए हम जो है सब मिलके इसके ऊपर कोई जो है लायमल, बिल्कुल एक बड़ा लायमल तैयार करने जा। चेयरमैन आबाद ने कहा कि जिस काम को हम शुरू करेंगे उसकी देखभाल और मुरम्मत के तमाम काम भी हम करेंगे। स्ट्रीट लाइटों की देखभाल आबाद की जिम्मेदारी है। शहर में गैर कानूनी तामीरात जिसकी भी हों उन्हें गिरा दिया जाए। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर का कचरा उठाने की जिम्मेदारी ज़िले बल्दियाती इदारों की है। उन्होंने करारदाद मंजूर करके निजी कंपनी को ठेके पर दिया है। आवाम से वोट भी उन्होंने लिए और जवाब दे भी यही हैं। बहरिया टाउन ने कचरा उठाने में केएमसी की मदद की है। एलईडी लाइट जो हमने कश्मीर रोड सेलेक्ट किया, मेयर साहब की वजह से हमारी एक मीटिंग हुई थी आबाद के साथ और उन्होंने फिर डिसाइड किया जी हम आपको 120 लाइटें देंगे जो हमने कश्मीर रोड के लिए डिसाइड की। अदरवाइज सारा नेल्सन वालों से हमने पेंट कराई वॉल, कैट आइज और पैच हुआ रोड पे, कारपेटिंग और दूसरी चीज़ें जो है वो सारी डीएमसी ने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर रोड एक मिसाली रोड हो गया है मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इंशाल्लाह जो एक सवाल आपने किया था कि भाई क्या इसको कौन मेंटेन रखेगा, मैं यकीन दहानी कराता हूँ जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ तो ये रोड आपको ऐसे ही मिलेगा। चेयरमैन शर्की मुईद अनवर ने तआवुन करने पर आबाद का शुक्रिया अदा किया और मेयर कराची को लाइन्स एरिया की तामीर होने वाली गलियों का दौरा कराया, जहाँ आवाम ने मेयर और चेयरमैन शर्की के कामों को सराहा।